नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अब 29 मई को अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो प्रदेश भर के अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक का मूल रूप से जो मुद्दा होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल की जाए, इस मुद्दे पर चर्चा होगी और बातचीत की जाएगी, तैयारी शुरू की जाएगी किस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव जीता जाए। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का निकाय चुनाव में प्रदर्शन रहा उसके बाद से वो हताश तो हो गई है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक मजबूत पार्टी दिखाती नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव भी बहुत बार ये बोलते हुए नजर आए हैं कि ये जो चुनाव निकाय चुनाव जो बीजेपी जीती है वो सिर्फ धोखाधड़ी की वजह से जीती है, वरना सबसे ज्यादा वोट्स जो मिले हैं वो सपा को मिले हैं, ना कि बीजेपी को। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी को अपनाया है, इस वजह से निकाय चुनाव में जीत बीजेपी की हुई है, ना कि सपा की। आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही थी और समाजवादी पार्टी के कई नेता बागी हो गए थे, उस वजह से अखिलेश यादव परेशान भी चल रहे थे। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के सब काफी पुराने नेता डॉक्टर शफीकुर्रहमान वर्क भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने निर्दलीय को अपना समर्थन देना ज्यादा बेहतर समझा, ना कि अखिलेश यादव के उम्मीदवार को समर्थन दिया। वैसे में जो अखिलेश यादव है वो 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में काफी जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से 29 मई को प्रदेश के अध्यक्षों के साथ एक वार्तालाप मीटिंग करेंगे और उसी मीटिंग के दौरान वो तय करेंगे कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल करें। और ना ही सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि बिहार के जो मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार और बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव भी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है और ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हो चुकी है। वो जितने विपक्षी दल है एकजुट करने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार, और बस किसी भी तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें खुद को बीजेपी को हराने की तमाम कोशिश जो है विपक्षी दल की तरफ से लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में अब 29 मई को अखिलेश यादव की तरफ से जो मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में तय होगा कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए कि इस बार समाजवादी पार्टी को 2024 में जीत हासिल हो सके। ऐसी और तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।